We are doing this opening with a legendary hand. Ms. Sharmeen ji, please, if you are listening to my voice, please come here. Agar aap awaaz sun pa rahe hain, Sharmeen ji. From the special thanks for Z for giving such a beautiful platform to film. और जो कास्ट है वो यही रुकेंगे बिकॉज यू नो वी हैव फोटोग्राफी सेशन आल्सो आफ्टर दिस. थ्री लाइव्स टू लिव, शादी अभी बाकी है. इमेजिन एंटरटेनमेंट पीवीटी लिमिटेड इन एसोसिएशन विद एपकॉर इंपैक्ट्स एलएलपी प्रेजेंट्स. शादी अभी बाकी है, मेरी भी बाकी है. थैंक यू, थैंक यू. ऐसा कैमरा लुक सब कूल कूल गुड गुड गो अहेड. रोल छावो, यस रोल 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 बोल देखिए. मेरा किरदार जो है एक जो मानसी है उसके बाप का है. बहुत अच्छा किरदार है. तो तीन स्टेजेस में बनी ये पिक्चर, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट टोटली. बनाई बड़े खूबसूरत तरीके से, मैंने बड़े पैशन से बनाई है, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ मानसी ने बनाई है. माई कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. और आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए अभी इस स्टेज पे कि भाई ये इसको प्रमोट कीजिए ज़रा अच्छी तरह से, पॉजिटिव तरीके से. जो बाकी सब चीज़ें नेगेटिव तरीके से होती है, लेकिन ये फिल्म के बारे में उसकी मेहनत जो है बेकार नहीं जानी चाहिए. शादी तो अल्टीमेटली इज दी थिंग, इट विल स्टे देयर फॉर एवर. हालांकि अगर चाहे आप शादी में मोहब्बत कहें या एडजस्टमेंट कहें या कुछ भी कहें, लेकिन इट द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू स्टे इन रियल लाइफ, इट इज गोइंग टू स्टे. सर बॉलीवुड में हम देखते हैं अक्सर शादियाँ बहुत सारे टूट जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण तुम मुझसे पूछना चाहिए जिनकी शादी टूट गई. मैं तो 45 साल हो गए मुझे शादी की. सर तो आपका सीक्रेट क्या है शादी बरकरार रखने का? यही है कि भाई यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ with your spouse, and she has to adjust with you. So that's how the things go. And after a certain time, a friendship develops, a companionship develops, and you want to stay together because of that reason. Madam, आप कुछ बताइए कैसे पहल हो रहे हैं इस फिल्म की, क्या आइडिया कहाँ से आया? मानसी जी जब मुझे मिली तो उन्होंने कैरेक्टर सुनाया, पिक्चर सुनाई. मैंने कहा ये अलग किस्म की पिक्चर है, कल लेनी चाहिए. तो फिर मैंने इरादा किया इस पिक्चर को बनाने का, तो इसीलिए मैंने हाँ कह दी. जैसा कि मानसी जी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, इसमें एक्ट भी किया है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? भाई देखिए जो शी इज़ वेरी एम्बिशियस, शी इज़ वेरी एम्बिशियस एंड शी इज़ पुट इन ऑल हर एफर्ट्स एंड शी हैज़ ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू कैमोलेट थिंग्स and make it a successful film, complete the film, which is very difficult nowadays as you already know. So this is my kudos to her, she's done a great job. Thank you. I really appreciate her hard work, her total dedication, devotion to the whole thing. And now you have to pick this picture up to very positively. इस फिल्म में प्रेम जी का हमें काफ़ी सपोर्ट मिला एंड थैंक्स टू प्रेम जी, संजय मिश्रा जी वो भी हमारे मूवी में थे. तो काफ़ी अच्छा एक्टर्स का जब सपोर्ट मिलता है, सो एज अ डायरेक्टर आई कुड प्ले मोर एंड वॉज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट. जो हमारा पिक्चर का आइडिया है, इसमें एक कहानी के अंदर तीन अलग एंडिंग्स हैं. तो बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम एक ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है, बट येट टिपिकल कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म. सो द सब्जेक्ट डिफरेंट था, तो कन्विंस करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट लकीली दे ऑल बिलीव्ड इन मी एंड मूवी इज़ नाउ कम्प्लीट एंड रेडी फॉर रिलीज.
जैसा कि कंटेंट की बात करें तो बहुत अलग थोड़ा कंटेंट है, ये शादी अभी बाकी है, ये कंटेंट कहाँ से आपके माइंड में आया, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो फिल्म है इट्स अबाउट द चॉइसेस दैट वी मेक, हमारी जो चॉइस होती है वही हमारा कल बनाता है, तो मूवी इज मोर अबाउट द चॉइस दैट वी मेक, और अगर हम ये चॉइस लेते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता, एंड ऐसा तो ऐसा, तो मूवी इज अबाउट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ लाइफ, और अगर आपको लाइफ में तीन मौके मिले एक डिसीजन लेने के तो कैसा होगा, तो डिसीजन वन, डिसीजन टू, डिसीजन थ्री, तो ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है जो एक शादी के ऊपर बेस्ड है, एक इवेंट के ऊपर बेस्ड है, तो पूरी मूवी कलरफुल है, हैप्पी है एंड ब्राइडल। आप इनको कवर कीजिए ना अभी, क्या सवाल है प्रेम जी, आजकल शादियां बहुत एक्सपेंसिव हो गई है जीएसटी आने के बाद, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अच्छी बात है, दहेज कम हो जाएगा लोगों को और शादी जो है जल्दी हो जाएगी, एकदम किसी ने पसंद, लड़का लड़की ने पसंद किया, कहेगा चलो अब शादी कर लेते हैं, मंदिर में जाके शादियां कर लेते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।